हे गाइज, वेलकम टू स्टार्क टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग ओलंपिक क्विज रोड टू टोक्यो 2020 में कैसे पार्टिसिपेट करने वाले वो सीखेंगे। तो ये ओलंपिक इस साल होने वाला है 2020, कोरोना की वजह से जो नहीं हुआ था, इस बार जुलाई से स्टार्ट होगा जो कि 5 सितंबर को ख़त्म होगा। तो इसके लिए CBSE ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम लोग ओलंपिक्स के बारे में ज़्यादा जान सकें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे दूँ, ये जो ओलंपिक क्विज है ये आपका 23 जून से और 22 जुलाई तक के लिए ये ओपन रहेगा। और यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ, आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे ओपन करके यहाँ से आप क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्विज़ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और आपका 10 क्वेश्चन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन पर बेस्ड होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो विनर होगा उसे इंडियन टीम जर्सी मिलने वाला है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करना है कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ओपन होने वाला है, मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है CBSE रोड टू टोक्यो 2020। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वही सेम गाइडलाइंस। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ पहले, ये सेक्शन थोड़ा सा हाइड रहेगा क्योंकि इसमें पर्सनल डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ। तो जल्दी से हम इसे फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, फिर आपका स्टेट, फिर आपका सिटी, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, क्विज यहाँ पर क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, आप देखते जाइए, सिर्फ मेरे आंसर्स को कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आंसर्स को, इसमें से मेरे कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पढ़ के इसे कंप्लीट करता हूँ। तो आप सिर्फ देखते जाइए, यहाँ पर आपको जैसे आज ये आंसर है, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर 400 मीटर रन एट द 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। तो आपको यहाँ पर इस वाले बटन पर जैसे क्लिक कर देना है ये, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पढ़ना है। इसे मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा जो आंसर है आप यहाँ पर देखिए, पहले टोटल इसमें आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, 10 क्वेश्चंस हो गए मैक्सिमम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पर क्विज कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा स्कोर देखिए 10 में से मेरा 3 सही हुआ है। यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभात कुमार फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रोड टू टोक्यो क्विज, #cheer4India। तो अब यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लोड हो गया है और मैं अभी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अपना दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आ ही गया है, एक मिनट मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए PDF के फॉर्म में सर्टिफिकेट्स आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभात, तो यहाँ पर आपके पार्टिसिपेशन वाला सर्टिफिकेट्स मिल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।